हमने इससे पहले टमी टक सर्जरी पर कई वीडियोस बनाए हैं और जिनको आप लोगों ने पसंद भी किया है। आज हम बताने जा रहे हैं कि किसी किसी भी टमी टक सर्जरी से पहले आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। आई एम डॉक्टर सुनीश गोयल, आई एम ए कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन प्रैक्टिसिंग एट लावण्या लेजर एंड प्लास्टिक सर्जरी इन जयपुर। टमी टक सर्जरी, जैसा आप जानते हैं, इट्स नॉट ए सिंपल सर्जरी एंड नॉट इट इज़ नॉट ए वेरी माइनर सर्जरी। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने आप को टमी टक सर्जरी से पहले कैसे प्रिपेयर करें। तो देयर आर सम पॉइंट्स लाइक, कम से कम 3 महीने पहले आप अपने एक एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं। एक्सरसाइज का रूटीन बनाने से जो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी मसल टोन अच्छी होती है एंड टू सम एक्सटेंट यू रिड्यूस सम वेट। और इसके अलावा टमी टक सर्जरी के बाद में अगर आप वही अपना रूटीन फॉलो करते हैं तो आप अपने टमी टक सर्जरी के लॉन्ग टर्म रिजल्ट पा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाएं कम से कम 3 महीने। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक अपनी हेल्दी डाइट फॉलो करें जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम हो, जंक फूड कम हो, फैट इंटेक कम हो, लेकिन प्रोटीन्स, और वो भी हाई क्वालिटी या गुड क्वालिटी प्रोटीन्स का अमाउंट आप बढ़ाएं, और फाइबर डाइट। ओवरऑल प्रोटीन डाइट आपका वज़न कम करने में आपको मदद करती है और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जिससे आपकी सर्जरी के बाद में आपकी हीलिंग अच्छी होती है। प्रोटीन डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लीन मीट लीजिए, नॉट रेड मीट, और यू कैन टेक एग वाइट। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यू कैन टेक सोया और यू कैन टेक पल्सेस और पनीर। इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा अपना प्रोटीन स्टोर कर सकें। कोशिश कीजिए कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल सर्जरी से पहले अच्छा हो ताकि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ना पड़े और आपकी हीलिंग अच्छी हो। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सर्जरी के 3 महीने पहले स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, और सर्जरी के और कोशिश कीजिए कि अगर आप 3 महीने तक स्मोकिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी स्मोकिंग परमानेंटली आप छोड़ सकें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो जस्ट टेक इन मॉडरेट अमाउंट। एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कीप इनफ टाइम फॉर योर रिकवरी। अगर आप वर्किंग हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने वर्क से कम 2 हफ्ते का ऑफ ले सकें। आपके लिए कोई हाउस हेल्प हो जो आपको हेल्प कर सके घर पे आपके रूटीन वर्क करने में। सर्जरी के बाद में अच्छे से रेस्ट कीजिए, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। अगर आपने सर्जरी से पहले क्रैश डाइट की हुई है डाइटिंग, तो कोशिश कीजिए कि आप क्रैश डाइट ना करें। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है क्रैश डाइटिंग से का, कि आपकी बॉडी कीटोन बॉडीज़ बनाने लग जाती है। ये कीटोन बॉडीज़ सर्जरी के टाइम पे जो एनएससीए दिया जाता है उसमें कॉम्प्लिकेशन या रिस्क बढ़ा सकती है, तो इसलिए डाइटिंग सर्जरी से पहले बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आपके कोई हेल्थ एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर आपकी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोई थायराइड की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो इन चीज़ों को आपको सर्जरी से पहले कंट्रोल करना है। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर योर टमी टक सर्जरी। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे और सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक सर्जरी एज सच इट्स ए वेरी सेफ सर्जरी इफ़ इट इज़ परफॉर्म बाय ए बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन एट सम गुड सेंटर। थैंक यू, स्टे ब्यूटीफुल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ लावण्या लेजर एंड प्लास्टिक सर्जरी।